अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू शुल्का मिनी व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप के सब अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो क्या रहने वाली है, मैं आपको बताने वाली हूँ माय फुटवेयर कलेक्शन। तो जैसे कि आप पीछे देख ही सकते हैं, तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्लैट्स। एक्चुअली मेरे पास सिर्फ फ्लैट्स हैं, एक भी हील्स नहीं दिखेगी आपको, क्योंकि मैं हील्स में कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ। हील्स पहन के मुझे ऐसा लगता है कि मैं चल नहीं सकती, मैंने कभी ट्राई भी नहीं की, मगर मुझे फ्लैट्स में मैं बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ, इसलिए मेरे पास सिर्फ फ्लैट्स ही। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बोलूँ कि ये मेरी फेवरेट है, आई थिंक जयपुरी बोलते हैं इसको, मतलब इनका जो डिज़ाइन होता है कलर मुझे बहुत प्यारा लगता है। ये मैंने सिटी से ली थी 300 की, प्राइस भी बताती रहूँगी मैं साथ साथ, और मुझे बहुत प्यारी लगी थी। इनका जो कलर होता है, जो डिज़ाइन ना, ये चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो ये तो सेकंड नंबर पे आती हैं ये भी फ्लैट्स हैं। ये मैंने ली थी आई थिंक 3 साल पहले शायद, हाँ। तो मतलब थोड़ी पार्टी वेयर हैं क्योंकि थोड़ी शाइन है इनमें, तो ये मुझे अच्छी लगी थी और ये भी कंफर्टेबल हैं चलने में। मतलब ये ज़्यादा पहनी नहीं है मैंने, इसलिए न्यू ही लग रही है अभी तक। ये भी सिटी से ली थी, अब मुझे इसका प्राइस याद नहीं है कितना है। तो ये वाली भी, ये भी फ्लैट्स हैं, ये मैंने ली थी ऑनलाइन अमेजन से शायद, मैं प्राइस मेंशन कर दूँगी, मुझे याद नहीं है। फ्लैट्स तो आई हैं, मगर मुझे इसकी एक चीज़ अच्छी नहीं लगती कि जब चलो ना इनकी आवाज़ आती है टक टक टक। पहले मतलब मैंने इतना वो नहीं, अब मुझे इतनी इरीटेटिंग लगती है साउंड, अब से मैं ऐसी सैंडल्स नहीं लूँगी। मतलब फ्लैट्स तो लूँगी जो टक टक करती हैं ना, उनसे अब मैं इरीटेट होने लगी हूँ। तो ये सबने देखी होंगी, ये हमारी गली में बाहर आया था सेल वाला, 150 की शायद ली थी, और लुक वाइज मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी, कलर भी अच्छा था, मतलब लुक्स अच्छी हैं इसकी। तो ये डेली वेयर में पहनती हूँ मैं, काफ़ी कम प्राइस में और अच्छी लगी मुझे, मतलब 150 में अच्छी हैं। और ये ली थी मैंने, ये भी 3 साल हो गए होंगे इनको, अब मैं इनको पहनती हूँ क्योंकि जो बैक स्ट्रैप है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तो पता नहीं मैंने कैसे ले ली थी। मतलब थी अच्छी, इनका डिज़ाइन वगैरह अच्छा था, मगर ये चीज़ मैंने ऐसे कभी पहनी नहीं, ये तब ले ली थी मैंने, अब मैं इनको ज़्यादा यूज़ ही नहीं करती हूँ। तो ये शूज़, ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट और कंफर्टेबल हैं, मतलब बिल्कुल, एक तो इनकी आवाज़ भी नहीं आती टक टक, और पहन के पता भी नहीं चलता कुछ डाला है, बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है। इनको तो मैं 10 out of 10 दूंगी। ये आई थिंक 500 के कि 600 के हैं, ये मैंने खुद लिए थे मॉल से जाके। तो ऑनलाइन ये, हाँ, इनमें से सिर्फ ये ऑनलाइन है, बाकी सब ऑफलाइन है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ डेली। तो सबसे पहले ये, जैसे वो सैंडल्स हैं जयपुरी, मुझे नहीं पता जयपुरी के राजस्थानी, मतलब ये दोनों सेम है। इनका डिज़ाइन बहुत प्यारा है, जो काम हुआ है, जो कलर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, और पहनने में भी कम्फर्टेबल है, और इनकी कोई टक 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 आवाज़ नहीं आती। उसके बाद आते हैं ये मैंने हील्स ली, इनके पीछे एक स्टोरी है, अब आप बोलोगे ज़्यादा तो नहीं है, अगर मेरी फ्रेंड की शादी थी तो वहाँ मतलब मैंने हील्स नहीं डाली थी, बाकी हम सब फ्रेंड्स की हाइट सेम है। तो जब हम गए तो मैंने फ्लैट्स डाली थी, बिल्कुल मैंने ये वाली डाली थी, मतलब हाइट में इतना डिफरेंस लग रहा था, तो मैंने सिर्फ इसलिए ली। ये हैं उतनी मतलब कंफर्टेबल हैं, मतलब उतनी ज़्यादा हील्स भी नहीं है कि मैं चल ना पाऊँ, तो ये मैंने इसलिए ली थी, लेकिन अच्छी है। ये शायद ली थी 1100 या 900 कुछ याद नहीं है मुझे, ये सिटी से ली थी। तो ये एक ही बार पहनी अभी तक मैंने, इनका कलर अच्छा है, मतलब शाइन वगैरह ना काफ़ी अच्छी है। फिर आती है ये वाली, ये मैंने ली थी अमेजन से शायद 300 की या 350 कुछ ऐसी थी, मैंने कज़न की शादी पे ली थी, एक दो बार ही पहनी है शायद मैंने ये, काफ़ी सॉफ्ट है मगर क्वालिटी वाइज नहीं है उतनी अच्छी। अब ले ली थी, मतलब अभी दो बार ही पहनी है, ठीक है प्राइस के हिसाब से, मतलब क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है मैं कहूँगी। उसके बाद आते हैं ये इतने ज़्यादा पुराने होंगे आपको कलर से पता लग रहा होगा, मतलब इतने प्यारे थे जब ये मैंने लिए थे ना, इन पे ये सब ग्लास वगैरह लगे हुए थे, सिटी से लिया था मैंने, ये भी 3 साल हो गए होंगे इसको। तो मतलब इनको स्टिच वगैरह करवाया मैंने इनको, तो मतलब अभी चल रही हैं, टूटी नहीं हैं, तो इसलिए फेंकना भी क्यों, जब चल रही हैं तो चलने दो, मगर बहुत पुरानी हो गई हैं, सिर्फ डेली वेयर या कभी भी जल्दी जल्दी में जाना हो तो उसके लिए ठीक है। अब इनका प्राइस भी याद नहीं है, काफ़ी टाइम पहले ली थी मैंने। फिर उसके बाद आती हैं ये मैंने ऑनलाइन ली थी, इनका प्राइस मैं मेंशन कर दूँगी, मुझे याद नहीं है, मतलब 1-2 महीने हो गए होंगे इनको शायद, मैं रिसेंटली मैंने बहुत बार पहनी है। इनका आगे से ना ये चीज़
पूरा उतर रहा है इसकी स्किन, मैं बोलूँगी। मतलब ऑनलाइन ना हर चीज़ अच्छी नहीं होती, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई चीज़ गलत आई हो ऑनलाइन। मतलब ये भी अच्छी है जिस हिसाब से जितना मैंने पहना है, तो बस ये आगे सुथरा आई थिंक पॉलिश से ये ठीक हो जाएगी, इनको मैं करवाऊँगी। इनका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है और फ्लैट्स हैं बिल्कुल अच्छी हैं, इनका कलर भी अच्छा लगा था मुझे। अब आते हैं ये वाले शूज़, ये मैंने अभी तक नहीं पहने, ये मैंने आपको एक व्लॉग में दिखाए थे जब मैंने शॉपिंग की थी नोज़ पियर्सिंग वाले व्लॉग्स में। ये हैं शायद 1100 के, हाँ, और इतना हैवी सोल है इनका, मैंने ऐसे शूज़ कभी नहीं पहने। इनका कलर ना कुछ क्रीम सा है, इसमें नहीं दिख रहा है फ़ोन में अच्छे से, मतलब बहुत हैवी सोल है इनका, मुझे बहुत अच्छे लगे और मैं सोच रही थी ऐसे लूँगी स्निकर्स। और ये लिए थे मैंने ऑनलाइन अमेज़न से, ये अभी 2-3 बार पहने हैं। मतलब ये जैस जितने ये कंफर्टेबल हैं उतने ये नहीं है, मगर लुक्स देखो ना, अगर लगा के लुक वाइज बहुत अच्छे हैं। वाइट थे नहीं मेरे पास, वाइट इसलिए मैंने लिए थे। ये लिए थे शायद 500 के, ऑनलाइन थे ये, मैंने ज़्यादा टाइम नहीं पहने हैं, मगर इनका ये जो वर है ना ये अच्छा है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। ये विंटर्स में ही पहनती हूँ ये सारे वाले, मैं सारे शूज़ में। तो ये आगे मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जो शूज़ हैं वो, तो बस इतना ही है। तो ये है मेरी शू कलेक्शन, ये थी मेरी आज की वीडियो। आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो एक्चुअली मैं पहले सोच रही थी जो मेरे पास ज्वेलरी कलेक्शन है वो मैं दिखाऊं, उतनी ज़्यादा भी नहीं है, मतलब है जो थोड़े बहुत। तो अगर आप चाहते हैं कि ज्वेलरी कलेक्शन या कुछ भी और जो आप बोलोगे मैं कमेंट सेक्शन में बताना, मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट व्लॉग उस पर बनाऊँ। तो तब तक के लिए टेक केयर, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।